आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्की अपने ही मुल्क से पेट्रोल नहीं निकाल सकता और ना ही अपनी बंदरगाह में किसी दूसरे ममालिक की शिप पर वो टैक्स लगा सकता है। लेकिन अब ये सब कुछ बदलने वाला है और यहाँ तक कि तुर्की इतना बड़ा सुपर पावर बनने जा रहा है कि अब सऊदीया अरब और मक्का भी उसके ही अंडर आने वाला है। और ये सब कुछ हुआ मुहैदा लफजानिया के तहत। आखिर ये क्या मुहैदा था जिसकी वजह से तुर्की 100 साल तक अपने ही मुल्क में जकड़ा हुआ था। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए कि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। बात है 1923 की, जब तक तुर्की इस्लामिक खिलाफत का मरकज रहा था और इनमें अर्मीना, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, शाम, उर्दान, बुल्गारिया और यूनान जैसे ममालिक शामिल थे। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहा। सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद तुर्की मुस्तफ़ा कमाल की क़्यादत में आया, जिसके बाद से तुर्की लादीन होता गया और एक स्कॉलर मुल्क बन गया। क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की में इस्लाम की मुखालफत में हर वो काम किए जो कि इस्लाम से बाहर थे, इसलिए 1923 में यानी कि वर्ल्ड वार वन के बाद खिलाफत उस्मानिया की मुखालिफ शुदा फौजें, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड वगैरह शामिल थे, उन्होंने ज़बरदस्ती तुर्की के साथ एक मुहैदा किया जिसकी मुदत पूरे 100 साल की रखी गई थी। ये मुहैदा स्विट्ज़रलैंड के शहर लवाजानिया में तय पाया था, इसलिए इसका नाम मुहैदा रजानिया का नाम दिया गया था। और इस पर दस्तखत करने वाला और कोई नहीं बल्कि मुस्तफ़ा कमाल ही था, जिसने 3 बड़े आज़म पर फैली हुई खिलाफत का खात्मा कर दिया और इसके बाद तमाम मसाइल से दस्तबरदार कर दिया गया, जिसके नतीजे में 40 मुल्क वजूद में आए। और इसके अलावा उस वक्त के सुल्तान के जायदादों को जब्त कर लिया गया और उनको उनके ख़ानदान समेत तुर्की से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा इस्लाम और खिलाफत उस्मानिया पर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की को स्कॉलर यानी बेदयानियत करार दे दिया गया। अब इस मुहिदे में तुर्की को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले तुर्की के पेट्रोलियम की ड्रिलिंग की मुकम्मल तरीके से पाबंदी लगा दी गई, जिसका मतलब ये था कि तुर्की अपने ही मुल्क से अपना ही पेट्रोल नहीं निकाल सकता था। इसके अलावा तुर्की की फास्फोरस बंदरगाह, जो कि तुर्की में ही नहीं बल्कि दुनिया में मकबूल है, जो कि बड़े आज़म एशिया और यूरोप को बहुत ही कम तरीन फासले पर जोड़ती है, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई और उसको अलमी मालियत करार दे दिया गया। इस तरह इसका इख्तियार यूरोप के हर ममालिक के पास पहुंच गया, जिसका मतलब ये है कि कोई भी मुल्क इस बंदरगाह से अपना सामान लेकर आ जा सकता था और इस पर तुर्की की तरफ से कोई भी टैक्स लागू नहीं था। इस मुहिदे की मदद 100 साल की थी, यानी इसको 2023 में ख़त्म होना है, इसलिए आलमी ताकतें इसी खौफ में मुबतला हैं कि तुर्की इस मुहैदे के ख़त्म होने के बाद अपने वसाइल वापस पा लेगा और दुनिया को अपनी इल्मी हसीयत को मनवाने के लिए वो कुछ भी कर लेगा। तुर्की के सदर तैयब रजान अपनी हर तकरीर में कहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा, बल्कि अब ये इल्मी सियासत में अपना किरदार अदा करेगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि खिलाफत उस्मानिया में सऊदी अरब का कुछ हिस्सा तुर्की के अंडर था, यानी कि उसको पूरी तरह से तुर्की कंट्रोल कर रहा था। वो तकरीबन 6.5 साल तक मक्का में आने वाले लोगों की मेज़बानी तुर्की के ही जिम्मे थी। और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि इस मुहैदे के ख़त्म होने के बाद वो मक्का का कंट्रोल वापस अपने इख्तियार में लेने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। दोस्तों, इस मुहैदे के बारे में काफ़ी लोग बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि असल में ऐसा कोई मुहैदा नहीं हुआ और ये बस एक छोटी मोटी कहानी है। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है, इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।